पटना के वैसे डॉक्टर जो किसी पद पर काम कर रहे हैं IGIMS अस्पताल में, जी हाँ, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो बेली रोड पर पड़ता है, जहां पर पूरे बिहार से मरीज आते हैं अपना इलाज कराने, वहां के जो डॉक्टर हैं, जो सरकारी डॉक्टर हैं, वो सचेत हो जाए। सचेत इसलिए हो जाए क्योंकि आपके पीछे बिहार सरकार अब जासूस लगाने जा रही है। जासूस का मतलब स्पाई। अगर आप कहीं पर भी अस्पताल के अलावा IGIMS के अलावा अगर निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी प्राइवेट क्लिनिक खोलकर अधिक धन कमाने का प्रयास कर रहे हैं, धन उगाही का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा मरीज वहां पर आएंगे और वहां पर ज्यादा कमाई होगी, मतलब सरकार से तो वेतन नहीं लेना है, इसके अलावा प्राइवेट अस्पताल खोलकर भी खूब पैसा कमाना है, तो आप सचेत हो जाइए। मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ये बात कह चुके हैं कि अब आपके पीछे जासूस लगाए जाएंगे, और अगर गलती से भी ये गलती आपने कर दिया कि आप अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हो और अस्पताल के टाइम पर अस्पताल से गायब हो, या अस्पताल के टाइम पर अब अस्पताल आ रहे हो और तब भी आप प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हो, तो आपकी नौकरी जानी तय है, आप पर बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बातें मंगल पांडे खुद कह रहे हैं। जी हाँ, देखिए आपको बताएं कि पटना का जो IGIMS अस्पताल है वो PMCH के बाद सबसे नामी सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। काफी बड़ा कैंपस है, हजारों की संख्या में रोज वहां मरीज पहुंचते हैं। कोई भी मौसम हो, देखिए अभी डेंगू का ही मौसम आने वाला है, तो वहां पर डेंगू का अलग से वार्ड तैयार हो रहा है। और कल वहां पर बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, वो पहुंचे थे, मीटिंग की गई है, जिसमें IGIMS के कर्मचारी लोग जो हैं, जो वहां के छोटे कर्मचारी हैं, वो कई तरह के आरोप वहां के डॉक्टरों पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का व्यवहार मरीजों से बेहद खराब रहता है। आप कभी IGIMS कभी जाइए, और अगर आपका मरीज है और आप उसका इलाज कराने वहां पर पहुंचे हैं, तो आपका पैसा तो जो खर्च होगा होगा ही, शरीर आपका पहले टूटेगा, डॉक्टर इतना आपको दौड़ा देगा कि आप खुद मरीज बन जाइएगा। ये आम शिकायत रहती है IGIMS की, मरीजों के परिजनों के साथ दुर्व्यवहार, डॉक्टरों का एरोगेंसी, और खासकर जो वहां के जूनियर डॉक्टर हैं जो दिहाड़ी पर वहां काम कर रहे हैं, उनमें तो ऐसा टसन देखने को मिलता है जैसे वो ही IGIMS चला रहे हो। ये तमाम शिकायत वहां के मरीज, वहां के मरीजों के परिजन और वहां के कर्मचारी लगातार करते रहे हैं। अब इस बात को लेकर सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और कड़ी एक्शन ली जानी है उन तमाम डॉक्टर, चाहे सीनियर हो या जूनियर हो। मंगल पांडे ने ये साफ कर दिया है। तो बैठक जो कल हुआ है उसमें स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि IGIMS में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना सरकार की पहली प्राथमिकता है, और इसके लिए अस्पताल में नेत्र रोग विभाग में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही 1200 और 500 नए बेड का जो एक नया छोटा सा एक और अस्पताल तैयार हो रहा है उस कैंपस में, उस काम को भी जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। इस बात की आश्वासन भी मंगल पांडे की तरफ से दे दी गई है। आपको बताएं कि मंत्री में बैठक में मरीजों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों के मुद्दे पर भी चर्चा की। सूत्र बताते हैं कि कई कर्मचारियों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ काफी शिकायत की है। जैसा मैंने बताया, मरीजों के साथ दुर्व्यवहार, उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार, और जो छोटे कर्मचारी हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है वहां के डॉक्टरों के साथ। इसकी शिकायत जैसे ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के कानों में पड़ी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री IGIMS पहुंच गए हैं और वहां पर यह फरमान जारी किया है कि डॉक्टर सुधर जाएं, आप सरकारी वेतन ले रहे हैं, आप मरीजों के यहां पर देख रेख के लिए हैं, उनको स्वस्थ करने के लिए हैं, ना कि उनके तनाव को और उनके परिजन जो पहले से ही परेशान है उनको और अधिक परेशान करने के लिए है। कर्मचारियों ने जो शिकायत की है वो शिकायत अब वहां पर नहीं आनी चाहिए। ये बातें मंगल पांडे ने साफ कर दिया है। इसके अलावा बैठक में IGIMS की इमरजेंसी, ICU, एडवांस राशि जमा, प्राइवेट रूम और अन्य सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। पिछले साल संस्थान जो है वो संस्थान प्रशासन ने कई सुविधाओं के लिए BOG के फैसले का इंतजार किए बिना ही शुल्क बढ़ा दिया था, बाद में इसे वापस लेने का निर्देश दिया गया। मरीजों के हितों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और BOG के सभी सदस्यों ने इसे खारिज कर दिया है। तो ये कड़ा एक्शन भी लिया गया है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी IGIMS के ऊपर। आप तैयार हो जाइए, अगर आप डॉक्टर हैं, जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि अगर आप प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, तो कहीं उस एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में आपकी नौकरी हाथ से ना चली जाए, इस बात को पहले आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।